24 जून 1946 को मशहूर बिजनेसमैन और पायलट केनेथ अर्नोल्ड वाशिंगटन से माउंट रेनियर के पास उड़ान भर रहे थे। केनेथ ने 9 चमकीली ऑब्जेक्ट्स को देखा जो एक साथ वी पैटर्न में आसमान में उड़ रहे थे। उनकी स्पीड लगभग 2700 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जो उस वक्त की किसी भी टेक्नोलॉजी से 3 गुना ज्यादा तेज थी। केनेथ ने बताया कि उन्होंने आसमान में यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट देखे हैं, जिसे अगले दिन कई अखबारों ने भी छापा। सपने का आसमान में उड़ती हुई तस्तरी देखी गई है। इसके बाद यूएफओ देखने की घटनाएं बढ़ गई। तो चलिए जानते हैं सच में एलियंस होते हैं या नहीं, और होते हैं तो वो कहां पर है। अभी तक उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया है? दावा किया गया है कि धरती पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों यूएफओ लेकर एलियन धरतीवासियों की जासूसी कर रहे हैं। जब हवा में थे तो उन्हें कुछ ऐसा नजर आया जो गुब्बारा नहीं था, वो एक यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था। आसान भाषा में कहा जाए तो दूसरे ग्रहों पर रहने वाले ह्यूमन जैसी सिविलाइजेशन को ही एलियन कहा जाता है। एलियन का अर्थ है ऐसी प्रजाति जो हमारे पृथ्वी की ना हो, कोई ऐसा जीव, कोई ऐसा जंतु जो किसी दूसरे ग्रह का हो। हमारे ग्रह के लिए वो एलियन कहलाता है। यदि हम भी किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं तो वह उस ग्रह के लिए हम एलियन कहलाएंगे। कई लोगों का मानना है कि हमारी पृथ्वी पर एलियन मौजूद है, और कई लोगों का यह मानना है कि एलियन जैसी कोई चीज ही नहीं है। कई वैज्ञानिक एलियन के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए सैटेलाइट्स और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एलियन हमेशा से ही क्यूरियोसिटी का सब्जेक्ट रहा है, और कई एलियन वाली फिल्मों को लोगों ने बहुत पसंद किया है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में बहुत से एलियन मूवी बनाई गई हैं, जिसमें एलियन के रूप और उनके व्यवहार को कुछ ऐसा दिखाया गया है जिससे लोगों को एलियन भयानक राक्षस की तरह लगते हैं। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ की फिल्म इंडिफेंस डे स्पेशल नोमाड्स आपको जरूर याद होगी। इस फिल्म में एलियंस को ऐसे जीव में दिखाया गया है जो धरती को बर्बाद कर देना चाहता है। वही बॉलीवुड में एलियनों को लेकर सबसे पहली फिल्म बनी थी जिसका नाम था कोई मिल गया। इस फिल्म में एलियन को बहुत ही प्यारा और जादूगर की तरह बताया गया है। ऋतिक रोशन की इस फिल्म ने लोगों का दिल जीत लिया था, इसलिए बच्चे और बूढ़े सभी को ये फिल्म पसंद आई थी। एलियंस के बारे में बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन उनका रूप और उनका कद कैसा होगा इसके बारे में किसी को खबर नहीं है। फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर वो हमारी पृथ्वी पर आ चुके होंगे तो हो सकता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना बेहतर हो, और वो हमसे कई गुना शक्तिशाली भी हो। वैज्ञानिक कई सारी अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश में है, चाहे वो अंतरिक्ष में मिला यूएफओ हो या फिर किसी अनजान ग्रह से आए कोई रेडियो सिग्नल हो। कई वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में ऐसे ग्रह हैं जिन पर जीवन संभव है और पनप भी रहा होगा। एलियंस जब से चर्चा में आए हैं तब से आज तक हमारे लिए एकमात्र रहस्य ही है। विज्ञान ने अलग अलग एलियंस के बारे में जरूर बताया है, जैसे कि उनका रंग रूप, आकार, वजन और व्यवहार, लेकिन ये सब कुछ थ्योरी है जो कि रियलिटी है या नहीं ये भी नहीं पता। एलियंस की मौजूदगी को लेकर अमेरिका के एरिया 51 में लंबे समय से शोध जारी है। एरिया 51 ऐसी जगह है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। इसके बारे में तो अमेरिकी सरकार ने भी अभी कुछ ही साल पहले कहा कि वो जगह इस दुनिया में मौजूद है, पर इसके आगे अमेरिकी सरकार ने कुछ भी नहीं कहा। एरिया 51 एक मिलिट्री एरिया है जो लास वेगास से 80 मील नॉर्थ वेस्ट में है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के ऊपर रिसर्च की जाती है। अमेरिका में रह रहे कई लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने कई बार एलियंस स्पेसशिप यानी यूएफओ को वहाँ से उड़ते हुए देखा है। सन 1946 में किए गए एक क्लेम के मुताबिक एरिया 51 में एक यूएफओ हादसे का शिकार हो गया था, जिसमे एक एलियन का शव बरामद किया गया था। ये एलियन 4 फीट का था और ह्यूमन जैसा दिख रहा था। बताया जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि नासा के वैज्ञानिक भी यहाँ काम करते हैं, वो लगातार एलियन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसान करीब पिछले 100 सालों से एलियन की तलाश कर रहा है, और इसके लिए अंतरिक्ष में टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट भेजकर उन्हें तलाशा जा रहा है। इसके अलावा धरती से रेडियो वेव्स भी भेजी जा रही हैं, ताकि कोई ह्यूमन जैसी एलियन सिविलाइजेशन का पता चल सके। लेकिन लगभग 100 साल हो गए हैं, लेकिन एलियन का कोई मैसेज नहीं मिला। एलियन के मौजूदगी की दुनिया में सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना 1936 में बर्लिन में हुए एक ओलंपिक के दौरान देखी गई थी। इस घटना का टीवी पर काफी ब्रॉडकास्ट भी हुआ था, लेकिन कोई पक्के एविडेंस नहीं मिल पाए। पृथ्वी से एलियन की तलाश में
अनेक रेडियो वेव्स अभी तक भेजी जा रही हैं ताकि एलियन का जवाब मिल सके। एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये रेडियो वेव्स अब तक हमारे सबसे करीबी सोलर सिस्टम से भी आगे पहुंच चुकी होगी, लेकिन एलियन का अभी तक कोई संदेश नहीं मिला। आखिर ऐसा क्यों? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे पहला, हो सकता कि हमारे करीबी रहने वाले एलियन अभी विकसित नहीं हुआ हो, मतलब वे अभी भी वायरस जीवाणु की तरह बहुत छोटे हो। दूसरा, और ये भी हो सकता है कि एलियन हमारी इमेजिनेशन से अलग हो और उन्हें खोजने का तरीका भी अलग हो। इस ब्रह्मांड में करोड़ों ग्रह हैं और उन सभी ग्रहों पर हमारा पहुंच पाना मुश्किल है। हो सकता है कि एलियन हमसे ज्यादा एडवांस हो, इसलिए वे हमारी नजर में नहीं आ रहे हो। इस तरह अनेक कारण हो सकते हैं। सेटी आज तक अंतरिक्ष में रिसर्च कर रही है। सेटी से जुड़े सेत सो स्टार का कहना है कि हमने एलियन की अनेकों फिल्में देखी है, इसलिए हमारे दिमाग में फिल्मों वाले एलियन की तस्वीरें छप गई है। हम इससे कुछ नया नहीं सोच पा रहे हैं और हो सकता है कि एलियन हमारी सोच से काफी अलग हो। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष के एक हिस्से से धरती पर लगातार आ रहे सिग्नल का पता लगाया है। इस सिग्नल को वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड भी किया है, जो नए प्रकार का रेडियो सिग्नल है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह नॉर्मल फास्ट रेडियो ब्रस्ट बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिकों ने लगातार 51 घंटे सिग्नल वाली डायरेक्शन में रेडियो टेलीस्कोप से निगरानी की और उन्होंने पाया कि उनमें से 82 घंटे तक 1863 सिग्नल आए हैं। ऐसे में अब सवाल खड़ा होता है कि क्या दुनिया से एलियन से कॉन्टेक्ट हो गया है? वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर ऐसे सिग्नल एक गैलेक्सी से आ रहे हैं। इस सिग्नल को चीन के रेडियो टेलीस्कोप से पकड़ा है। अब इसकी जांच चीन के पेकिंग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर हैंग सू इन कर रहे हैं। हैंग सू ने अपने रिसर्च में बताया है कि गैलेक्सी में कोई मैग्नेटर यानी न्यूट्रॉन स्टार है जिससे ये रेडियो सिग्नल आ रहे हैं। उनका कहना है कि उनके पास बहुत अधिक मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन रेडियो सिग्नल पर अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर सेली राइट, जो अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम करती थी, उन्होंने क्लेम किया था कि साल 1947 में उन्होंने एक एलियन से बातचीत की थी और उसका इंटरव्यू भी लिया था। ये एलियन रोसवेल क्रैश साइट पर मिला था। इस इंटरव्यू का जिक्र एक डॉक्यूमेंट्री में भी किया गया है। उस वक्त आइंस्टीन ने भी एलियन से मुलाकात की थी और इस पूरे मिशन को खुफिया रखा गया था। ये एलियंस अमेरिका में रोसवेल यूएफओ क्रैश में मिले थे, जो 8 जुलाई 1947 को हुआ था। ये वह फोटो है जिसे एलियन का पोस्टमार्टम करने के दौरान खींचा हुआ बताया जा रहा है। इसे अमेरिकी गवर्नमेंट ने सीक्रेट रखा था। ये वह लोकेशन है जहाँ यूएफओ क्रश होने की बात कही जा रही है। फोटो में दिख रहे पुर्जे और कबाड़ को टूटे हुए यूएफओ और एलियंस की ड्रेस का हिस्सा बताया जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि एलियन हमेशा से यहीं पर मौजूद हैं। जिन्हें हम एलियन कहते हैं वो महासागरों में गहरे समुद्र के नीचे रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि एलियंस अंडरग्राउंड है और ये समुद्र में इतनी अधिक गहराई में रह रहे हैं कि जहाँ इंसान अभी तक नहीं पहुँच पाया है। कहा जाता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहले से ही एलियन होने की कंप्लीट पॉसिबिलिटी है। उस एरिया का नाम है द कोंगाला पास। यूएस में एक जगह है जिसका नाम एरिया 51 है, जहाँ एलियंस और यूएफओ के देखे जाने की बात लगातार सामने आती रही है। ठीक उसी प्रकार हमारे इंडिया में जो ये जगह है, ये इंडिया चीन के बॉर्डर पर है, जहाँ पर किसी आम आदमी का जाना पूरी तरीके से बंद है। वहाँ भी लगातार यूएफओ देखे जाने की बात सामने आती रहती है। वहाँ के रहने वाले सिटीजन का कहना है कि उन्होंने कई बार यह यूएफओ देखे हैं। हो सकता है कि इंडिया और चाइना के गवर्नमेंट को इस बात की इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन हम आम लोगों के लिए ये एक रहस्य ही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि एलियंस नहीं होते हैं तो आप पूरी तरीके से गलत हैं, क्योंकि इस बात को कहना है कि एलियंस नहीं होते हैं ये उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी समंदर से एक चम्मच पानी निकाला जाए, उसे चेक करके कहा जाए कि इसमें शार्क तो है ही नहीं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि एलियंस नहीं होते हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसलिए किसी एक छोटी सी जगह को रिसर्च करने पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एलियंस नहीं होते हैं, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स में एलियंस कई भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक 45 साल का व्यक्ति, एक रात वो अपने काम से घर की ओर गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और रास्ता बिल्कुल खाली था और आसपास खेत खलियान थे। अचानक उनको एक रोशनी आसमान से उतरती हुई दिखाई दी। उनको पता नहीं था कि वो क्या है, इसलिए वो उस रोशनी का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि वो रोशनी जंगल के बीचों बीच उतर गई है और उसे ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक उड़ने वाला जहाज था और उसमें से 3 अजीब दिखने वाले कुछ प्राणी उतरे। वो ये नजारा देख कर घबरा गया। उन्होंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी, इसलिए उन्होंने उनकी दूर से ही अपने फोन से ही फोटो लेनी शुरू कर दी। अचानक उन अजीब से दिखने वाले प्राणियों की नजर उस पर पड़ गई और वो उस व्यक्ति को उठाकर अपने साथ उस जहाज पर ले गए और अगले दिन वापस उसी जगह बेहोशी की हालत में वहीं छोड़ दिया। वो व्यक्ति भागते हुए अपने घर गया। ये सब बात वह अपनी पत्नी को बताने लगा। उसने कहा कि कल मुझे कुछ अजीब से दिखने वाले लोग अपने साथ ले गए थे,
और आज मुझे छोड़ दिया। तो उसकी पत्नी ने बताया कि वो कल से नहीं बल्कि पूरे 15 दिन से लापता था। उस व्यक्ति ने तारीख भी देखी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जिस तारीख को वो काम से आ रहा था उस तारीख को आज पूरे 15 दिन हो गए थे। उसे यकीन हुआ कि वो पूरे 15 दिन तक एलियंस के साथ था और उसको ये भी याद नहीं रहा कि उसके साथ उस जहाज पर क्या किया गया। पर बहुत से लोगों ने कहा है कि इसके साथ भी एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ये कहानी आग की तरह पूरे इंटरनेट पर छा गई थी और इस कहानी को झूठा भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आखिर वो 15 दिन तक कहा था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।